रुद्रपुर में त्योहारी सीजन को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने मुख्य बाजार में पहुंचकर व्यापारियों को अग्निशमन के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान फायर कर्मियों ने व्यापारियों को आग लगने के दौरान बरते जाने वाले एहतियात बरतना बताया, जिससे आग पर काबू पाया जाए। इसकी जानकारी दी रुद्रपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए फायर कर्मचारी के द्वारा मुख्य बाजार स्थित विधवानी मार्केट में पहुंचकर व्यापारियों को आग लगते समय क्या करना है इसकी जानकारी दी गई और डेमो भी दिया गया। साथ ही किन उपकरणों को अपनी दुकान में रखना है ताकि अगर कहीं आग लगती है तो उस पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि करवा चौथ त्यौहार के बाद एक भव्य तरह से मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें व्यापारियों को आग बुझाने के संबंध में पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, पिछले दिनों जो रुद्रपुर शहर में लगातार जो आग की घटनाएं हो रही है, उस घटनाओं में हमारे रुद्रपुर शहर के व्यापारियों के करोड़ों रुपए नुकसान होता है, क्योंकि रुद्रपुर शहर आप जानते हैं हमारा इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पर एक एक दुकानों पर लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का माल होता है। बहुत सारे सीएनडी, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे हमारे जो रुद्रपुर शहर में जो हमारे बड़े बड़े डिपो हैं वो रुद्रपुर शहर के अंदर ही है। अगर एक आग चलती भी है तो दुकान के अंदर लाखों रुपए का माल होता है, करोड़ों रुपए का माल होता है, तो उस समय हमारा व्यापारी बिल्कुल फर्श से अर्श पर आ जाता है। हम ही चाहते हैं कि देखो कि इसमें क्योंकि त्योहारी सीजन भी, दीपावली भी आ गई हो, दीपावली के मौके पर आप जानते हैं कि इसमें आग अक्सर जलती है, अक्सर आग लग जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस समय हम अपने अवेयर रहें, हम अपने जागरूकता रहें, लोगों को इस बात का अवेयर होना चाहिए। व्यापारी अपनी दुकानों पर काम तो पूरा करता है लाखों रुपए का, लेकिन व्यापारी दुकान पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाता, उसके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, उसको आग से बचाव के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। तो आग अगर हम अपनी अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा नहीं करेंगे, अपनी दुकान की सुरक्षा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें फायर ब्रिगेड के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें अपने भी संसाधन जुटाने चाहिए। जो आपने देखा भी, यहाँ पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर से हम लोग उसको आग को रोक सकते हैं। अगर मोहल्ले में 10 सिलेंडर हो जाएं, 15 सिलेंडर हो जाएं, 5 सिलेंडर हो जाएं, हम सब मिलकर प्राइमरी स्टेज पर उसको हम उस आग पर काबू पा सकते हैं।